एंटी थायराइड ड्रग्स क्लासिफिकेशन। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में कि एंटी थायराइड ड्रग्स हमारी कौन कौन सी होती हैं और किस किस तरीके से फंक्शन करती है। तो देखो, सबसे पहले आती है वो ड्रग्स जो इनहिबिट करती हैं थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को, जो थायराइड हार्मोन को बनने ही नहीं देती। ठीक है, उसमें आती है हमारी तीन, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल। ठीक है, ये तीन ड्रग आती हैं हमारी किसमें, ये तीन ड्रग आती है हमारी जो इनहिबिट करती है थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को। ठीक, आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म से PMC। ठीक है, जो इनहिबिट करती है थायराइड हार्मोन को। ठीक, इसके बाद सेकंड है हमारी इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, वो ड्रग जो इनहिबिट करती है आयोडीन की ट्रैपिंग को, कि जो थायराइड ग्लैंड हमारा आयोडीन को लेता है GIT में से। ठीक है, अगर आपने सिंथेसिस नहीं देखी है कि किस तरीके से होती है, तो भाई उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसमें देखो आप सिंथेसिस किस तरीके से होती है। ठीक है, तो भाई जो हमारी आयोडीन ट्रैपिंग होती है, जिसमें भाई थायराइड ग्लैंड आयोडीन को लेता है GIT में से, तो जो वो ड्रग्स हमारी क्या करती है, इनहिबिट कर देती है आयोडीन की ट्रैपिंग को। ठीक है, कि भाई थायराइड ग्लैंड आयोडीन को ले ही ना पाए। इसमें आती है हमारी थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स और हमारे आती है परटेक्निएट्स। ठीक है, इसमें हमारे तीन आती हैं, ये तीन आते हैं। इसके बाद तीसरी आती है हमारी जो इनहिबिट करती है हार्मोन के रिलीज़ को, मतलब हार्मोन बन तो जाएगा थायराइड हार्मोन पर रिलीज़ नहीं हो पाएगा। ठीक, इसमें आते हैं हमारे आयोडाइड्स और लिथियम। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं हमारी एंटी थायराइड ड्रग्स को। तो भाई आगे है हमारी फोर्थ नंबर पे, जो डिस्ट्रॉय कर देती है थायराइड के टिश्यू को, वो ड्रग्स जो थायराइड के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, उसमें आती है हमारी रेडियोएक्टिव आयोडीन। रेडियोएक्टिव आयोडीन ही होती है जो थायराइड के टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देगी, सीधी बात है। तो भाई ये एंटी थायराइड की तरह वर्क करेगी। ठीक, थायराइड ही नहीं रहेगा तो फिर फंक्शन ही क्या करेगा। इसके बाद फिफ्थ है इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। अब ये वो वाली ड्रग होती है जो T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती, क्योंकि T3 हमारा ज़्यादा फंक्शन करता है। ठीक है, तो भाई T4 को जब T3 में चेंज होने नहीं देंगे तो भाई फंक्शन कम हो जाएंगे। इसमें आती है हमारी बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ठीक, तो भाई ये थी हमारी ड्रग्स दैट आर एंटी थायरॉयड। ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर नोट्स चाहिए तो भाई नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आपको ये नोट्स डायरेक्टली सारे मिल जाएंगे।